आते रहेंगे ताकि उनको बुरा लगे। तो अब जिस तरह से रोडीज को आपने बताया कि अब जैसे आपने बताया आप जब फर्स्ट रोडीज थे आपको एक दिन के खाने के लिए 70 रुपीस दिए जाते थे, अब रोडीज को अब तो कुछ नहीं है, अब तो चेंज हो गया, गेम ही चेंज हो गया। तब सर्वाइवल था, तब हम लोग एक टीम के साथ ऐसे टास्क करते थे ताकि अगर हमने टास्क सही किया तो हमें अच्छा खाना मिलेगा, हम अच्छी जगह पे रहेंगे। अब वो फॉर्मेट पूरा चेंज हो चुका है और अब ये सर्वाइवल के ऊपर आ गया। खाना वाना कुछ इतना डिफिकल्ट लाइफ नहीं है, हम तो टेंट में ही सोते थे, हम लोग बारिश में सोए, पता नहीं 35 दिन से सिर्फ बारिश हो रही थी। और अब डिफिकल्ट हो गया, अब सर्वाइवल हो गया, अब ज़्यादा लोग हो गए, 13 लोग हो गए, 20 लोग हो गए, ज़्यादा कंपटीशन हो गया, इंटरनेशनल चले गए, टास्क अलग हो गए और पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा हो गई, तो मायने ज़्यादा हो गए रोडीज का। उस टाइम पे सर्वाइव करना एक बात थी लेकिन हमें नहीं पता था कि टीवी पे कितना आएगा, हमें से कोई भी कोई मॉडल वॉडल कुछ नहीं बनना चाहता था क्योंकि किसी को पता नहीं था कि टीवी पे आएगा। और अभी तो इतना स्टेक्स हाई हो गया कि ऑटोमेटिकली बहुत प्रेशर होता है लोगों पे कि जैसे कई लोग सिर्फ एक्टर्स बनने आते हैं और क्योंकि हमारे को मतलब स्ट्रगल कर रहे होते हैं और कि शायद लोग हमें देख लें, हमारे को कुछ चांस मिल जाए, तो उनके लिए तो कितना इंपॉर्टेंट है कि शो पर टिके रहें, सर्वाइव करते रहें। तो इसकी कहीं ये वजह तो नहीं रणवीर जी कि जब आप थे तो आप लोग करने में यकीन करते थे, आज शब्दों से करने में ज्यादा यकीन रखते हैं ये कई लोग? अगर आप इस बारी का शो देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा कि इस बारी इन्होंने करने में भी यकीन किया और शब्दों से भी किया। और लेकिन पिछले बैच में जैसे संभवी वाला जो एपिसोड था कि वो काफी आशु वाला जो था उसका नहीं था, हाँ उसमें हमें भी लगा था कि जो हम लोगों ने टास्क किया अगर आप देखते मेकिंग ऑफ में हमने बहुत अच्छी तरह से किया, टास्क हो सकते थे लेकिन इन लोगों से नहीं हुए, इन लोगों ने ज्यादा पॉलिटिक्स पे डिपेंड किया, ज्यादा बॉन्डिंग में डिपेंड किया, बट वो फिर वो रोडीज उस चीज की वजह से जाना आता है, अब ये रोडीज अलग होगा। यही मैं जानना चाह रहे थे इतने देर से। अच्छा रणवीर जी ये बताइए कि इस साल हमने ये भी बोला है कि अगर आप लोगों ने परफॉर्म नहीं किया तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, और पूरे रोडीज से हेल डाउन अंडर में हम लोगों ने यही ट्राई किया है कि ये लोग सब परफॉर्म करें और उस पर काफी कुछ निर्भर हो, तो इस बार आप देखेंगे बहुत बड़ा चीज। तो रणवीर जी कहीं इस रोडीज के थ्रू आप लीडरशिप क्वालिटीज को तो निकालने की कोशिश नहीं करते किसी शख्सियत में कि लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए? डेफिनेटली काफी लोगों में होती है, काफी लोगों में नहीं होती, और हम लोग कोई क्वालिटी निकालने की कोशिश नहीं करते, क्वालिटीज खुद ही हर रोडी अपने अंदर देखता है कि यार ये तो मैं ऐसा नहीं था पर अब ऐसा हो गया हूँ। और हम तो यही हम किसी ने कुछ प्रॉमिस नहीं करे, कुछ नहीं देख रहे, हम एक शो बना रहे हैं जहाँ पे हम लोग इन लोगों को एक सिचुएशन में डालते हैं और हर हर रोडी उस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करता है वो हम कैप्चर करते हैं और वो दिखाते हैं। तो इट्स ये शो का फॉर्मेट ही ऐसा हमने बना दिया कि हमें कोई स्क्रिप्ट की जरूरत नहीं है, हमें कोई किसी चीज को बुलवाने की जरूरत नहीं कुछ करने के लिए, हमें बस मेहनत करनी है। 22 घंटे कैमरे चलते रहते हैं, 7-8 कैमरे, तीन दिन का एक एपिसोड बनता है जिसमें 24 घंटे की मतलब कितने हो गए 72 hours × 7 का टेप है और उनमें से 1 घंटे का एपिसोड बनता है। इतनी मेहनत है एडिटिंग वगैरह में, आप लोगों को पता है कितनी एडिटिंग मुश्किल होती है। जैसे रघु राजीव जब ऑडिशन ले रहे होते हैं तो उस टाइम में रघु मोस्टली एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि मैं इसके थ्रू आपको जानने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब पार्टिसिपेंट से वो पूछते हैं, लेकिन उसके साथ ही वो बीप 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 शुरू हो जाता है और उससे प्रेशर आता है, उससे हाँ क्या रिएक्शन आता है, कई लोग नहीं गाली देते, कई लोग गाली देते, कई लोग सहम जाते हैं। So it's just a way to see what the other person is like. तो ऐसा तो नहीं है कि रघु राजीव का जो गुस्सा है ये बाउंसर्स के बिहाफ पे है कि अगर किसी ने हाथ उठा भी दिया, इनकेस कभी ऐसा हुआ? लाइफ में तो ऐसा नहीं करना चाहते। वही तो, ये तो एक शो बना रहे हैं, हमने किसी को फोर्स नहीं किया कि आप आगे ऑडिशन, सबको पता है क्या होता है, तो इसमें बाउंसर्स तो इसलिए कि अगर कोई भड़क जाए तो दे आर नॉट फाइटर्स, दे आर नॉट क्रिमिनल्स, दे आर नॉट बॉक्सर्स, वो नहीं कह रहे थे पंगा लेते हैं किसी में आते हैं, वो तो अपना एक शो बनाना चाहते हैं जहाँ पे कुछ लोगों को सेलेक्ट करना चाहते हैं, उसके लिए अगर वो किसी को प्रेशर में डालना चाहते हैं, they're doing their job, we should give them a medal instead of asking a questioning them। रणवीर जी कोई ऐसी बात बताइए जो रोडीज में भी कैमरे के सामने ना आती हो लेकिन कुछ ऐसा होता हो पीछे? हम लोग बाथरूम्स में कैमरा नहीं लगाते क्योंकि बहुत ही ऑब्वियस सी बात है हमारे, आई मीन बाहर कुछ ऐसा होता हो जो आप बाद में एडिटिंग में ओके कर देते हो, कुछ ऐसा कुछ नहीं? ऐसे कुछ नहीं, तभी तो अगर इतना कर सकते तो ये गालियाँ वाले जिसकी बात आप तब शुरू से कर रही हैं जो बीप्स हैं वो नहीं होती, अगर हमारी इतनी हमारी इतना हमारा कंट्रोल होता तो हम ऐसा सब दिखाते हैं, तो मार धार है वो भी मतलब हम दिखाना नहीं चाहते बट हुई है तो दिखा रहे हैं, जो प्यार मोहब्बत जो भी आप बातें कर रहे हैं वो इसीलिए आपको पता है क्योंकि हमने दिखाया है, तो ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं दिखाया जाता। तो रणवीर जी क्या ये जो रोडीज है ये भी सेंसर बोर्ड से अप्रूव होके आता है? ऑफ कोर्स, तो उनको बीप्स उनको भी स्मोकिंग, आपने कभी देखा रोडीज पे MTV पे कोई स्मोक करते हुए? वो होता है एक
बैड एग्जांपल कि ये एमटीवी रोडी है स्मोक कर रहा है मैं भी करूँगा कूल कभी देखा आपने नहीं गालियां बच्चों को आती हैं नहीं आती है इट्स ओके लेकिन जरूरी तो ना उसको परफॉर्म कर दिया जाए रणवीर जी किसी को नहीं बोला कि गालियां दीजिए वो अच्छी नहीं सेंसर बोर्ड को क्या एक्सक्यूज देते हो कि ये बीप करना व्हाट कैन दे डू यू नो बीप कर रहे हैं हम लोग किस अगर आपको पता है हम क्या बोल रहे दैट मींस यू ऑलरेडी नो इट जिस बच्चे को नहीं पता उसको नहीं पता क्या बोल रहे बिकॉज इट्स बीप्ड चलो रणवीर जी कुछ ऐसा बताओ कि 5, 6, 6, 1 स्टार्ट हो गया अब ये रोडीज तो इन 5 में आपको छोड़ के आशु को छोड़ के कोई और ऐसा पार्टिसिपेंट जो आपको बहुत इंप्रेस किया पूरे ग्रुप को आयुष्मान विनोद रावत की एक टांग आर्टिफिशियल थी रोडीज 2 में और क्या जोश था क्या जज्बा था बहुत सुपर्ब कि अभी भी जब भी मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है वो कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट कर ही रहा होता है इज ग्रेट और टोनी रोडीज 1 से रंजीत बजाज जानते होंगे आप सब रोडीज 2 रोडीज 3 में राहुल रोडीज 4 में विशाल साहिल अनुज बहुत सही से लोग थे जीतता एक है वो बात अलग है अमित इंदर इज गुड बानी एंथनी सब ग्रेट पीपल एवरीबडी इज ग्रेट मैन बहुत अंकित इतने लोग हैं बट ऑब्वियसली आयुष्मान तो सबसे आगे निकल गया बिग बॉस जीत गया होपफुली अभी बिग ब्रदर जाएगा और वहाँ पे भी वो हिंदुस्तान का नाम रोशन करके आएगा तो अपने सहारनपुर का करना चाह रहा था अभी कोई अगर अपने गांव का या अपनी जगह का अपने ऑडिशन में रघुराज जी को यही बोला था कि अगर मैं चुना जाऊं तो उसका बड़ा सिंपल सा ऑडिशन रहा था नो डाउट और बहुत साफ सुथरा हां क्योंकि उसने जो इंसान अपने बारे अगर आप मेरा अगर ऑडिशन में पता नहीं कहाँ होगा देखिए तो उसमें इन लोगों ने ट्राई किया था लेकिन मैं सच बोल रहा था फिर इन्होंने नहीं ट्राई किया फिर सारे हंस रहे थे लोटपोट हो रहे थे बट दैट्स हाउ इट इज अगर आप सच बोलेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी यहाँ पे लोग जो मैं बॉन्ड हूँ मैं लड़कियों की इज्जत नहीं करता जो तो ऐसे वो ट्राई करके आते हैं मेरे हिसाब से वो ट्राई भी करके आते हैं क्या ओवर स्मार्ट ओवर एक्ट शॉट मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं अभी पता है तो फिर क्यों आया यू नो सो अगर आप ध्यान से देखें तो उन्हीं लोगों को पड़ती है जरा जो जरा अपने आप को बनने की कोशिश करते हैं मतलब वही कि वो फॉर्म में भरते हैं बड़ी सिंपल लैंग्वेज में वो फॉर्म फिलअप करते हैं लेकिन रघुराज जी वहाँ से कुछ ऐसा निकलवा लेते हैं या उसको स्ट्रेस करते हैं ये सब वो लोग बहुत शातिर लोग हैं बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं उनको पता है वो क्या कर रहे हैं और रियल लाइफ में वो ऐसे है नहीं काफी अच्छे लोग हैं थैंक यू वेरी मच